वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बात करेंगे आज हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण की बात करेंगे इस वीडियो में। हिंदी व्याकरण में हम समास पढ़ रहे थे, आज उसको समास को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, कल हमने कर्मधारय समास की शुरुआत की थी। इसकी परिभाषा लिख दी थी कर्मधारय समास की, यहाँ तक लिख लिया था, उसके आगे आप लिखेंगे। कर्मधारय समास में हमने लिखा था, कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में प्रथम पद द्वितीय पद की, प्रथम पद हैं वो द्वितीय पद की विशेषता बतलाने वाला होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे। कर्मधारय समास है उसमें दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं, इसमें दो उपभेद होते हैं। तो आप लिखेंगे आगे, कर्मधारय समास के दो प्रकार हैं। कौन कौन से, एक बार उनकी हम बात कर ले। तो एक तो है विशेषतावाचक कर्मधारय समास, विशेषतावाचक कर्मधारय समास दूसरा है आपका उपमानवाचक कर्मधारय समास। दो हो गए, अब इनकी बात करते हैं। क्योंकि ये सिंपल सी बात है, आपको ध्यान में रखनी है कि जो कर्मधारय समास होते हैं उसमें जो पहला पद होता है वो क्या करते हैं कि विशेषता बताता है दूसरे शब्द की। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इसमें जो प्रधान है दूसरा पद होता है और पहला पद की विशेषता बताने वाला होता है, प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताने वाला होता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं विशेषण और विशेष्य की। तो हमने उसकी बात की थी, और उपमेय और उपमान की बात कर लेते हैं कि वो क्या होते हैं, और विशेषण और विशेष्य की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वो लिखते हैं अपन अगले पेज में। अब इसमें देखो क्या होता है कि एक शब्द दूसरे की विशेषता बताता है, और इसमें विशेषण और विशेष्य की बात आई है विशेषतावाचक कर्मधारय की। तो सिंपल सी बातें आपको पता होनी चाहिए कि इसमें कौन सी चीज़ क्या है। तो पहले लिखेंगे आप विशेषण। विशेषण क्या होता है, एक बात ये लिख लेंगे कि वे शब्द जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब बताना चाहिए विशेष्य क्या होता है। तो जिन जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं।
ध्यान देंगे। देखो विशेषण वे शब्द जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और विशेष्य क्या होते हैं, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होते हैं। अब उदाहरण लिखेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा, वैसे हमने पढ़ा है इनको विस्तार से। मैंने लिखा आपके सामने नीली हैं जो गाय, बराबर इसका समास, ये तो समास विग्रह है और समास हो जाएगा इसका नील गाय। अब नीली विशेषता बता रही है किसकी, गाय की। गाय यहाँ पर क्या है, विशेष्य है। गाय यहाँ पर क्या है, विशेष्य है। और नीली जो शब्द हैं वो यहाँ पर विशेषण है, क्या है, विशेषण। तो नीली आपका विशेषण हो गया और गाय विशेष्य हो गया क्योंकि गाय की विशेषता बताई जा रही है। तो इस प्रकार का ये हुआ विशेषता वाचक, जिसमें यहाँ पर एक विशेषण होगा एक विशेष्य होगा, ठीक है। अब बात करते हैं उपमेय और उपमान की, जो अपने पढ़ा है उपमान वाचक क्रमधारय उसमें क्या होगा। तो पहले आप लिखेंगे उपमेय क्या होता है, उपमेय की बात लिखेंगे, उपमेय किसे कहते हैं, तो लिखेंगे वह वस्तु या व्यक्ति, वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी उपमा दी जा रही है, वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी उपमा दी जा रही है, मतलब ये हुआ कि जिसकी हम उपमा देंगे वो उपमेय होगा। दूसरा आप लिखेंगे उपमान, क्या लिखेंगे आप, उपमान, तो लिखेंगे जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाए। तो उपमेय क्या होता है कि ऐसी कोई वस्तु या व्यक्ति जिसकी उपमा दी जा रही है वो तो उपमेय है, और जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाए वो आपका क्या है, उपमान है। अब बात को अगर समझना है तो उदाहरण ध्यान से देखेंगे आप। मैंने लिखा है आपके सामने एक बार मुखचंद्र, ये तो समास है, अगर समास विग्रह करें इसका तो उसका होगा चंद्र रूपी मुख, क्या लिखा है, चंद्र रूपी मुख। चंद्र रूपी मुख की बात करूं तो इसमें मुख है जो आपका, ये शब्द मुख ये तो है उपमेय, और जो चंद्र शब्द हैं इसकी बात करूं तो ये आपका है उपमान, क्या है, उपमान। क्यों, क्योंकि हमने बात क्या लिखी है, उपमेय की। ध्यान से देखेंगे परिभाषा क्या कह रही है, वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी उपमा दी जा रही है, उपमा दी जा रही है, और उपमान क्या होता है, जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाए। अब मैं तुलना किससे कर रहा हूँ, मुख यानी चेहरा मुख है, उसकी तुलना मैं किससे कर रहा हूँ, चंद्रमा से कर रहा हूँ। देखो मैंने लिखा है मुख चंद्र, चंद्र रूपी मुख, चंद्रमा जैसा मुँह, जिसका चंद्रमा जैसा मुख होता है ना, मतलब जैसे चमकता हुआ मुख है, किसका मुख सुंदर है, तो कहते हैं मुख चंद्र है। तो जिसका मुँह या मुख चंद्र जैसा है इसको बोलते हैं चंद्र रूपी मुख। तो इसमें देखो चंद्र उपमान है, क्योंकि उपमान की मैंने जो आपको बात बताई है कि जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति को तुलना की जाए,
ये मुख है, इसकी तुलना मैं किससे कर रहा हूँ? अरे चेहरे की तुलना मैं चंद्रमा से कर रहा हूँ, तो चंद्रमा उपमान हो जाएगा। और मैं जिसकी तुलना कर रहा हूँ, जिसको मैं उपमा दे रहा हूँ, या वो उपमेय होगा। क्या होगा? वो उपमेय होगा। बात समझ में आई आपको कि जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय है, और जिससे तुलना की जा रही है वो उपमान है। मैंने यहाँ मुख को चंद्रमा के जैसे बताया है, तो तुलना मैंने मुख की किससे की है? चंद्रमा से। कि जो चेहरा है वो चंद्रमा जैसा है, चंद्र जैसा है, इसका मतलब ये उपमान है चंद्र। और मैंने किसकी बात की है कि मुख है, चंद्रमा की तुलना मैंने किससे की है? तो मैंने तुलना की है मुख से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, जिसको उपमा दी जा रही है, उपमेय होता है, जिससे तुलना की जाती है उपमान होता है। तो इस प्रकार का जो समास है जिसमें उपमेय और उपमान होगा, विशेषण और विशेष्य होंगे, ठीक है, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और एक शब्द दूसरे की विशेषता बताता हो, तो वो सारी ध्यान रखना है कि वो कर्मधारय समास होता है। कौन सा? कर्मधारय। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे बहुत सारे उदाहरण ताकि आपको और भी स्पष्ट हो जाए। यहाँ लिखेंगे आप समस्त पद ऊपर, और यहाँ लिखेंगे समास विग्रह। जैसे लिखेंगे आप नील कमल, नील कमल है। एक बात ध्यान रखना आपको कि जब इसका समास विग्रह करेंगे तो हम लिखते हैं जो, क्या लगाते हैं अक्सर, हैं जो। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, हैं जिसकी, हैं जिसकी भी लगाते हैं कहीं कहीं। ठीक है, तो हैं जो या हैं जिसकी, ये तो ये लिखता है, एक लिखता है रूपी। ठीक है, तो ये तीन शब्द अगर आप समास विग्रह करेंगे तो लगाएंगे, मतलब कर्मधारय समास के अंदर भी नीलकमल लिखा हुआ है, तो इसमें अगर आप इसका समास विग्रह करेंगे तो आप इन तीनों में जो लगेगा, हैं जो, हैं जिसकी, हैं रूपी, जैसे अपने यहाँ रूपी लिखा था। ठीक है, और ऊपर नील गाय, नीली हैं जो गाय, तो हैं लिखा था हैं जो। तो तीन शब्द आपको भी लिखने हैं अपनी कॉपी में, ये भी ध्यान रखना है कि इनका प्रयोग होता है कब, जब समास विग्रह करते हैं तब। ठीक है, तो समास विग्रह के समय ध्यान रखना है कि इनका प्रयोग क्या होता है, हैं जो, हैं जिसकी और रूपी का। अब देखो इसका समास विग्रह क्या होगा, मैंने लिखा है नील कमल, तो लिखेंगे नीला है जो कमल। नीलकमल किसे कहते हैं? नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, तो हैं जो लगा दिया ना, तो इसका समास विग्रह ऐसे होगा। अगर और बात करें तो मैंने लिखा है महाजन, क्या लिखा आपके सामने, महाजन, तो महाजन का हो जाएगा महान है जो जन, जो जन महान है, तो महान है जो जन वो महाजन कहलाता है। ठीक है, और आप लिख सकते हो उदाहरण में, लिखा मैंने परमानंद, परम है जो आनंद, परम है जो आनंद वो परमानंद है। जैसे मैंने लिखा पीताम्बर, पीताम्बर में होगा
तो पीत का मतलब पीला होता है, अंबर यानी वस्त्र होता है। देखो हम पीताम्बर को बहुव्रीहि समास में भी लेंगे, पढ़ेंगे वहाँ पर, लेकिन आपको ध्यान रखना है पीताम्बर में जो पीत का मतलब होता है पीला और अंबर, इसमें देखो अभी बताता हूँ आपको कि इसमें संधि विशेष क्या होगा। तो पीताम्बर का हो जाएगा पीला है जो वस्त्र या अंबर। अब आपको ध्यान देना है कि जो मैंने लिखा है आपके सामने दो तीन शब्द, ये तो लिखा है परमानंद। अब देखो परमानंद में संधि है, परम प्लस आनंद है, कौन सी संधि है इसमें, दीर्घ स्वर संधि। जो पीताम्बर है उसमें संधि है, पीताम्बर में भी क्या है संधि है, इसका होगा पीत प्लस अंबर। पीत बोलते हैं पीले को, पीला होता है उसको पीत भी कहते हैं, और अंबर बोलते हैं आपको बता दें वस्त्र को, कपड़े को। अंबर का मतलब आसमान भी होता है, आकाश भी होता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि पीला है जो वस्त्र पीताम्बर कहलाता है। कोई आदमी है भगवान, जैसे विष्णु भगवान है तो उन्होंने अगर पीला कपड़ा पहना हुआ है तो उनको पीताम्बर भी कहते हैं, ठीक है ठीक है। बात करेंगे कब, जब हम बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे तब इसलिए पीताम्बर की और भी बात करेंगे। यहाँ पर जो समास होगा वो होगा क्रमधारय समास, और ध्यान रखना है कि इसमें हैं जो लगाए है, पीला है जो वस्त्र है उसको पीताम्बर कहते हैं। आगे अगर उदाहरण की बात करें तो पीताम्बर हो गया, और भी लिखें तो खुशबू, क्या लिखा मैंने खुशबू। तो खुशबू की बात करें तो इसका होगा खुश, जिसका मतलब होता है अच्छी बढ़िया है जो बू, खुश हैं जो बू, बू यानी गंध, उसको कहते हैं खुशबू। खुश हैं जो बू, खुश हैं जो बू, बू का मतलब होता है गंध, खुश का मतलब होता है अच्छी, जो अच्छी गंध है वो खुशबू है, जो अच्छी सुगंध है, अच्छी जिसकी गंध है वो खुशबू है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जैसे आ जाए महात्मा तो क्या हो जाएगा, महान है जिसकी आत्मा, या महान हो जाएगा महान है जो आत्मा, तो महान है जो आत्मा, तो ये हो जाएगा। जैसे आ गया मंद बुद्धि, मंद बुद्धि का हो जाएगा मंद है जिसकी बुद्धि, जिसकी बुद्धि, मंद का मतलब होता है कम, कमजोर, धीमे, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आप सिरिक्शन नहीं लग रहा है तो ऐसे लिख सकते हो। तो मंद है जिसकी बुद्धि, उसको मंद बुद्धि कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, और जैसे देखें उदाहरण की, हमने मुख चंद्र तो लिख लिया है, अगर और लिखें तो वचनामृत, वचनामृत हो जाएगा वचनामृत, जिसमें होगा अमृत रूपी वचन, वचन प्लस अमृत दो शब्द हैं, और संधि करें तो वचन प्लस अमृत में दीर्घ स्वर संधि है, तो वचन रूपी अमृत रूपी जो वचन होते हैं उसको बोलते हैं वचनामृत, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर हम बात और करें, कहीं के समान भी आता है, क्या आता है के समान,
जैसे देखें तो कमल नयन, तो कमल के समान, कमल के समान नयन, नयन का मतलब होता है आंखें, नयन का मतलब क्या होता है, नयन आंखें को बोलते हैं, नयन लोचन, ठीक है, नेत्र, तो कमल के समान नयन, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे अगर आ जाएं शीतोष्ण, तो इसका हो जाएगा जो शीत हैं उष्ण, जो शीत हैं उष्ण, शीतोष्ण हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के शब्द आए तो आप आराम से बता सकते हो। जैसे आ जाए परमेश्वर, तो हो जाएगा इसका परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर, वो हो जाएगा परमेश्वर, ठीक है, परम है जो ईश्वर, वो हो जाएगा परमेश्वर। जैसे आ जाए आपके सामने प्रियजन, ये उदाहरण लिख रहे हैं, ठीक है, सभी को प्रियजन, तो इसका हो जाएगा आपका प्रिय है जो जन, प्रिय है जो जन, ठीक है। तो सारे उदाहरण की हमने बात की, बहुत सारे और भी सारे हैं लेकिन इतने लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, सारे उदाहरण को ढंग से लिखना है कॉपी में बढ़िया सुंदर रूप से, और याद भी करना है परिभाषाओं को। हमने ग्रामर में काफ़ी विस्तार से अनेक चीज़ें पढ़ी हैं, ग्रामर तो आपको आनी चाहिए, हिंदी की ग्रामर आएगी तो संस्कृत में कोई दिक्कत नहीं होगी संस्कृत ग्रामर सीखने में, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगला जो समास है, अभी आधे तीन समास हो गए, द्वंद्व, द्विगु और बहुव्रीहि समास अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है।